स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए मानसिक टेंशन में परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बट के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दी। महाराज दो या तीन सोमवार एक ही जगह पर करना, तीन सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग लगभग दो से तीन महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जलवृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर दे। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें पशुपति व्रत लाक ना करे। बस दिल से अगर आपने पशुपति व्रत करा है, बाबा विश्वनाथ के पांच पशुपति व्रत होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। बस करना क्या है, सुबह पूजन की थाली लगाकर लेकर जाना है, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, मंदिर में अभिषेक पूजन करो, वो थाली वापिस लेकर आ जाओ, घर में रख दो, उसी थाली में शाम के समय प्रदोष काल में सूर्य डूब रहा हो उसके कुछ ही समय के बाद आप आनंद में छह दिए घर से लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठा बनाकर लेकर जाओ और पांच दिए शंकर जी के मंदिर में लगाओ। पूजन करने के बाद में मीठे के तीन हिस्से कर दो, दो हिस्से बाबा के मंदिर में अलग अलग रखिए, एक ही प्लेट में दो हिस्से नहीं रखना है, दोनों हिस्सों को अलग अलग कटोरी में अलग अलग दोने में अलग अलग प्लेट में बाबा को रख दो और एक हिस्सा एक दिया लेकर आ जाइए। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट भाग में एक दिया घी का लगा दीजिए जो लेकर आयो मंदिर से, उसको जला के नहीं लाना है, वहीं पर जला लो, दरवाजे के पास आराम से बैठो, दिया जलाओ और प्रसाद लेकर अपनी कामना कर कर घर के अंदर सीधा पांव रखकर अंदर चले जाओ। सवेरे फरियाल करो, शाम को भोजन करो, जब भोजन करो उस समय पर जो मीठे का आपने भोग लगाया था भोलेनाथ जी को, जिसका एक हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा खाओ, प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसमें से किसी को वो हिस्से में से प्रसाद नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो, आपको ज्यादा प्रसाद ले जाना तो अलग से ले जाओ, पर उस हिस्से में से किसी को प्रसाद ना दे, और वो प्रसाद पहले पाकर फिर आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें। पर इसका नियम यह है कि प्रसाद जब आप लेकर आते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था, जितनी जल्दी आप प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं आधे घंटे के अंदर पौन घंटे के अंदर आपको वो प्रसाद पाना है और भोजन करना ही है। ये नहीं कि सब आएंगे इंतजार कर रहे हो, दस बज गई ग्यारह बज गई, प्रसाद आपका इंतजार कर रहा, जो प्रसाद है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा, आपकी बाट जो रहा, आपका इंतजार कर रहा, ये नहीं होना चाहिए। महाराज कितना सुंदर कहा है शास्त्रों में,
कि केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे होते हैं जिनका प्रसाद रात भर नहीं रखा था, कहां से लिया है? प्रसाद लाकर ताजा रहता है जब तक आप पाते हैं, फिर वो फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखा रखा किसी ने खाया नहीं खाया, जितने समय तक फ्रिज में प्रसाद रखा रहता है वो इंतजार करता है कि कोई मुझे प्रसाद भक्षण करे। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब ही यही है, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। वो रखा रखा जब ज्यादा समय हो जाता है तो घर में वो कष्ट प्रदान करने लगता है। हमेशा याद रखो, प्रसाद जैसे ही आए उसका सही समय पर उसको पाओ। रखे हुए प्रसाद पड़ा हुआ है फ्रिज में, रखा हुआ है, बेटा खाएगा, बहू खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, फिर धीरे धीरे वो बद्दुआ देना प्रारंभ कर देता है, जिससे घर में बड़ी बीमारी फैलने लगती है, बड़ा रोग आने लगता है। तो लोग सोचते हैं हमारे घर में ना तो हम कोई नशा करते हैं, ना हम कोई चीज खाते हैं, ना हम बाजार का खाते हैं, फिर रोग कहां से आता, फिर बीमारी कहां से आती? अर्थात वो बद्दुआ देता है, उसका प्रयोग करो, समय पर करो, समय पर पाओ। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे ये बीमारी कहां से आ गई, जरा पत्रिका में तो कोई बीमारी नहीं दिख रही, हमने तो सबसे पूछा ये बीमारी का योग ही नहीं है, फिर बीमारी कहां से आई? ना तो हम कोई व्यसन करते हैं, ना कोई मद्रापान करते हैं, ना कोई मांसाहार, फिर ये बीमारी कहां? उसका कारण है कि तुम उस प्रसाद का लाकर महीनों तक पड़ा हुआ है इंतजार कर रहे हो, खाएंगे खाएंगे, आखिरी में फिर वो काम वाली को दे दिया। काम वाली इतनी चतुर आज के जमाने की, बासी माल खाएंगे अटक गए, कौन का पड़ा वो बदतुआ। जितना आपको पाना है, जितना आपको लेना है, उतना प्रयोग करो। ज्यादा रखकर बहुत दिनों तक पड़ा है, थोर रखी है, मौन थाल रखा है, लड्डू रखा है, पेड़ा रखा है, कुछ सामान रखा, नहीं नहीं भाई, जितना बने उतना लाओ, नहीं तो किसी को तुरंत बांट दो, समापन करो। पर अपने यहां पर बहुत दिन तक रख कर उसका बाबा स्वयं, मेरा श्री जी बाबा, मेरे तिरुपति बाबा, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ, उस प्रसाद के रूप में तुम्हारे घर में कितने दिन इंतजार करे कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करूं, पर तू कराए नहीं, पड़ा है, रखा है, रखा रहने दो, मन नहीं करता। शक्तियों जैसा कर्म मत करो जिससे हमें कष्ट की। कई लोग कहते हैं हमने पशुपति व्रत करा, हमारा बहुत काम हुआ। कई लोग कहते हैं हमने करा पर हमको अभी तक का। उसका कारण है कि तुम बहुत देर तक प्रसाद को इंतजार करा रहे हो, तो बाबा भी आपको इंतजार करा रहा है, मेरा विश्वनाथ भी इंतजार करा। उस समय अवधि का भान होना चाहिए। निगाह हटी दुर्घटना घटी, बस ध्यान रखो। हम कहते हैं कि हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर दुख हमको ही क्यों आता है? उसका कारण केवल इतना सा कि दुख हम खुद बुलाते हैं, दूसरा नहीं, हम स्वतः। पशुपति व्रत, पांच व्रत करो। पांच व्रत पूर्ण होने पर कई माताएं कहती है कि बीच में हमारे व्रत छूट जाते हैं रजस्वला धर्म के समय पर, तो व्रत तो करना पड़ेगा पर पूजन नहीं होगी और वो गिनती में भी नहीं आएगा। पर व्रत करना है पर गिनती में नहीं आएगा। मार पूजन भले मत करो, सात दिन बाद आप जो व्रत करें वो अपने ऊपर है, पर गिनती में नहीं आएगा, व्रत करना पड़ेगा। गिनती में तब आएगा जब दरवाजे पर आप दिया लगाएंगे, जितने दिए आपने लगाए उसी गिनती में आएगा। और महाराज पांच व्रत जब पूर्ण हो जाए, पांचवा व्रत रहे, तब एक नरियल श्रीफल, उस पर एक मोली नाड़ा लच्छा लपेट कर उस पे 11 रुपए रख कर, कोई आपको किसी को ना भोजन कराना है ना भंडारा करना है, केवल मोली लच्छा लपेट कर 11 रुपए रख कर बाबा विश्वनाथ के सम्मुख में शंकर जी की वो जलाधारी जो गोल है माता जगत जननी का हस्त कमल, उसी पर रख देना है, विनती कर देना, बाबा मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया। जो पशुपति व्रत स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण में, पद्म पुराण के अंदर वर्णन किया, वो व्रत मैंने किया, बाबा मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरी कामना पूर्ण करना, बाबा को झोली पसार कर प्रणाम करो और अपने घर को चल जाओ। बस यही पांच व्रत का विधान। पशुपति व्रत ऐसा कोई काम नहीं जो ना हो, बस दिल से अगर व्रत किया है तो बाबा मनोकामना पूर्ण तो करे ही। मनो आप तो आप हमारे घर के
चाहे घर की धर्म पत्नी हो, चाहे भांजे हो, कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कह देते पशुपति व्रत कर लो, हो जाए। बस पशुपति व्रत में आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, निर्मल चित्त निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मलता के भाव में भगवान मिल सकता। और फिर निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर बाबा से दिल से आप मिलो तो, एक बार दिल से उससे कहो तो। शिव शंकर का पशुपति व्रत केवल सांसारिक मनुष्य ही नहीं करता, ये पशुपति व्रत देवता भी करते, देवता। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए, सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज दो या तीन सोमवार एक ही जगह पर करना, तीन सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग लगभग दो से तीन महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जलवृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर दे। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें पशुपति व्रत लाक ना करो। बस दिल से अगर आपने पशुपति व्रत करा है, बाबा विश्वनाथ के पांच पशुपति व्रत होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। बस करना क्या है, सुबह पूजन की थाली लगाकर लेकर जाना है, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, मंदिर में अभिषेक पूजन करो, वो थाली वापिस लेकर आ जाओ, घर में रख दो। उसी थाली में शाम के समय प्रदोष काल में सूर्य डूब रहा हो, उसके कुछ ही समय के बाद आप आनंद में छह दिए घर से लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठा बनाकर लेकर जाओ, और पांच दिए शंकर जी के मंदिर में लगाओ। पूजन करने के बाद में मीठे के तीन हिस्से कर दो, दो हिस्से बाबा के मंदिर में अलग अलग रखिए, एक ही प्लेट में दो हिस्से नहीं रखना है, दोनों हिस्सों को अलग अलग कटोरी में, अलग अलग दोने में, अलग अलग प्लेट में बाबा को रख दो, और एक हिस्सा एक दिया लेकर आ जाइए। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट भाग में एक दिया घी का लगा दीजिए, जो लेकर आयो मंदिर से, उसको जला के नहीं लाना है, वहीं पर जलाना, दरवाजे के पास आराम से बैठो, दिया जलाओ और प्रसाद लेकर अपनी कामना कर घर के अंदर सीधा पांव रखकर अंदर चले जाओ। सवेरे फरियाल करो, शाम को भोजन करो, जब भोजन करो उस समय पर जो मीठे का आपने भोग लगाया था भोलेनाथ जी को, जिसका एक हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा खा, प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसमें से किसी को वो हिस्से में से प्रसाद नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो,
आपको ज्यादा प्रसाद ले जाना तो अलग से ले जाओ, पर उस हिस्से में से किसी को प्रसाद ना दे, और वो प्रसाद पहले पाकर फिर आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें। पर इसका नियम यह है कि प्रसाद जब आप लेकर आते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था, जितनी जल्दी आप प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं आधे घंटे के अंदर पौन घंटे के अंदर आपको वो प्रसाद पाना है और भोजन करना ही है। ये नहीं कि सब आएंगे इंतजार कर रहे हो, 10 बज गई 11 बज गई, प्रसाद आपका इंतजार कर रहा, जो प्रसाद है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा, आपकी बाट जो रहा, आपका इंतजार कर रहा, ये नहीं होना चाहिए। महाराज कितना सुंदर कहा है शास्त्रों में कि केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे होते हैं जिनका प्रसाद रात भर नहीं रखा था, वहां से लिया है प्रसाद, लाकर ताजा रहता है जब तक आप पाते हैं, फिर वो फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रखा रखा किसी ने खाया नहीं खाया, जितने समय तक फ्रिज में प्रसाद रखा रहता है वो इंतजार करता है कि कोई मुझे प्रसाद भक्षण करे। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद का मतलब ही यही है, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। वो रखा रखा जब ज्यादा समय हो जाता है तो घर में वो कष्ट प्रदान करने लगता है। हमेशा याद रखो प्रसाद जैसे ही आए उसका सही समय पर उसको पाओ, रखे हुए प्रसाद पड़ा हुआ है फ्रिज में रखा हुआ है, बेटा खाएगा, बहू खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, फिर धीरे धीरे वो बद्दुआ देना प्रारंभ कर देता है, जिससे घर में बड़ी बीमारी फैलने लगती है, बड़ा रोग आने लगता है। तो लोग सोचते हैं हमारे घर में ना तो हम कोई नशा करते हैं, ना हम कोई चीज खाते हैं, ना हम बाजार का खाते हैं, फिर रोग कहां से आता, फिर बीमारी कहां से आती, अर्थात वो बद्दुआ देता है। उसका प्रयोग करो, समय पर करो, समय पर पाओ। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे ये बीमारी कहां से आ गई, जरा पत्रिका में तो कोई बीमारी ही नहीं दिख रही, हमने तो सबसे पूछा ये बीमारी का योग ही नहीं है, फिर बीमारी कहां से आई, ना तो हम कोई व्यसन करते हैं, ना कोई मद्रापान करते हैं, ना कोई मांसाहार, फिर ये बीमारी कहां। उसका कारण है कि तुम उस प्रसाद का लाकर महीनों तक पड़ा हुआ है इंतजार कर रहे हो, खाएंगे खाएंगे, आखिरी में फिर वो काम वाली को दे दिया, काम वाली इतनी चतुर आज के जमाने की, बासी माल खाएंगे अटक गया, कौन का पड़ा वो बद्दुआ। जितना आपको पाना है, जितना आपको लेना है उतना प्रयोग करो, ज्यादा रखकर बहुत दिनों तक पड़ा है थोर रखिए, मौन थाल रखा है, लड्डू रखा है, पेड़ा रखा है, कुछ सामान रखा, नहीं नहीं भाई, जितना बने उतना लाओ, नहीं तो किसी को तुरंत बांट दो, समापन करो। पर अपने यहां पर बहुत दिन तक रख कर उसका बाबा स्वयं, मेरा श्री जी बाबा, मेरे तिरुपति बाबा, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ, उस प्रसाद के रूप में तुम्हारे घर में कितने दिन इंतजार करे कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करूं, पर तू कराए नहीं, पड़ा है रखा है, रखा रहने दो, मन नहीं करता। शक्तियों जैसा कर्म मत करो जिससे हमें कष्ट की। कई लोग कहते हैं हमने पशुपति व्रत करा, हमारा बहुत काम हुआ। कई लोग कहते हैं हमने करा पर हमको अभी तक का। उसका कारण है कि तुम बहुत देर तक प्रसाद को इंतजार करा रहे हो, तो बाबा भी आपको इंतजार करा रहा है, मेरा विश्वनाथ भी इंतजार कर रहा है। उस समय अवधि का भान होना चाहिए। निगाह हटी दुर्घटना घटी, बस ध्यान रखो। हम कहते हैं कि हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर दुख हमको ही क्यों आता है। उसका कारण केवल इतना सा कि दुख हम खुद बुलाते हैं, दूसरा नहीं, हम स्वतः। पशुपति व्रत, पांच व्रत करो, पांच व्रत पूर्ण होने पर, कई माताएं कहती है कि बीच में हमारे व्रत छूट जाते हैं रजस्वला धर्म के समय पर, तो व्रत तो करना पड़ेगा पर पूजन नहीं होगी और वो गिनती में भी नहीं आएगा, पर व्रत करना है पर गिनती में नहीं आएगा। मार पूजन भले मत करो, 7 दिन बाद आप जो व्रत करें वो अपने ऊपर है, पर गिनती में नहीं आएगा, व्रत करना पड़ेगा। गिनती में तब आएगा जब दरवाजे पर आप दिया लगाएंगे, जितने दिए आपने लगाए उसी गिनती में आएगा। और महाराज पांच व्रत जब पूर्ण हो जाए, पांचवा व्रत रहे,
तब एक नरियल श्रीफल, उस पर एक मोली नाड़ा लच्छा लपेट कर उस पे 11 रुपए रख कर, कोई आपको किसी को ना भोजन कराना है ना भंडारा करना है, केवल मोली लच्छा लपेट कर 11 रुपए रख कर बाबा विश्वनाथ के सम्मुख में शंकर जी की वो जलाधारी जो गोल है माता जगत जननी का हस्त कमल, उसी पर रख देना है, विनती कर देना, बाबा मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया। जो पशुपति व्रत स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण में, पद्म पुराण के अंदर वर्णन किया, वो व्रत मैंने किया, बाबा मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरी कामना पूर्ण करना, बाबा को झोली पसार कर प्रणाम करो और अपने घर को चल जाओ। बस यही 5 व्रत का विधान। पशुपति व्रत ऐसा कोई काम नहीं जो ना हो, बस दिल से अगर व्रत किया है तो बाबा मनोकामना पूर्ण तो करे ही है। आप तो आप हमारे घर के, चाहे घर की धर्म पत्नी हो चाहे भांजे हो, कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कह देते पशुपति व्रत कर लो, हो जाए। बस पशुपति व्रत में आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, निर्मल चित्त निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, निर्मलता के भाव में भगवान मिल सकता। और फिर निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर बाबा से दिल से आप मिलो तो, एक बार दिल से उससे कहो तो, शिव शंकर का पशुपति व्रत केवल संसारिक मनुष्य ही नहीं करता, ये पशुपति व्रत देवता भी करते, देवता। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें पशुपति व्रत लाक ना करो, बस दिल से अगर आपने पशुपति व्रत करा है। बाबा विश्वनाथ के 5 पशुपति व्रत होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं, बस करना क्या है, सुबह पूजन की थाली लगाकर लेकर जाना है, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, मंदिर में अभिषेक पूजन करो, वो थाली वापिस लेकर आ जाओ, घर में रख दो, उसी थाली में शाम के समय प्रदोष काल में सूर्य डूब रहा हो उसके कुछ ही समय के बाद
आप आनंद में छह दिए घर से लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठा बनाकर लेकर जाओ, और पांच दिए शंकर जी के मंदिर में लगाओ। पूजन करने के बाद में मीठे के तीन हिस्से कर दो, दो हिस्से बाबा के मंदिर में अलग अलग रखिए। एक ही प्लेट में दो हिस्से नहीं रखना है, दोनों हिस्सों को अलग अलग कटोरी में, अलग अलग दोने में, अलग अलग प्लेट में बाबा को रख दो, और एक हिस्सा एक दिया लेकर आ जाइए। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट भाग में एक दिया घी का लगा दीजिए, जो लेकर आयो मंदिर से। उसको जला के नहीं लाना है, वहीं पर जलाना। दरवाजे के पास आराम से बैठो, दिया जलाओ, और प्रसाद लेकर अपनी कामना कर घर के अंदर सीधा पांव रखकर अंदर चले जाओ। सवेरे फरियाल करो, शाम को भोजन करो। जब भोजन करो उस समय पर जो मीठे का आपने भोग लगाया था भोलेनाथ जी को, जिसका एक हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा का, प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसमें से किसी को वो हिस्से में से प्रसाद नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो। आपको ज्यादा प्रसाद ले जाना तो अलग से ले जाओ, पर उस हिस्से में से किसी को प्रसाद ना दे। और वो प्रसाद पहले पाकर फिर आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें। पर इसका नियम यह है कि प्रसाद जब आप लेकर आते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। जितनी जल्दी आप प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं, आधे घंटे के अंदर, पौन घंटे के अंदर आपको वो प्रसाद पाना है और भोजन करना ही है। ये नहीं कि सब आएंगे इंतजार कर रहे हो, 10 बज गई 11 बज गई, प्रसाद आपका इंतजार कर रहा है। जो प्रसाद है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपकी बांट जो रहा, आपका इंतजार कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। महाराज कितना सुंदर कहा है शास्त्रों में कि केवल एक देव, अधिदेव, महादेव कैसे होते हैं जिनका प्रसाद रात भर नहीं रखा था। आ से लिया है प्रसाद, लाकर ताजा रहता है जब तक आप पाते हैं, फिर वो फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखा रखा किसी ने खाया नहीं खाया, जितने समय तक फ्रिज में प्रसाद रखा रहता है वो इंतजार करता है कि कोई मुझे प्रसाद भक्षण करे। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब ही यही है, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। वो रखा रखा जब ज्यादा समय हो जाता है तो घर में वो कष्ट प्रदान करने लगता है। हमेशा याद रखो, प्रसाद जैसे ही आए उसका सही समय पर उसको पाओ। रखे हुए प्रसाद पड़ा हुआ है फ्रिज में, रखा हुआ है, बेटा खाएगा, बहू खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, फिर धीरे धीरे वो बद्दुआ देना प्रारंभ कर देता है, जिससे घर में बड़ी बीमारी फैलने लगती है, बड़ा रोग आने लगता है। तो लोग सोचते हैं हमारे घर में ना तो हम कोई नशा करते हैं, ना हम कोई चीज खाते हैं, ना हम बाजार का खाते हैं, फिर रोग कहां से आता, फिर बीमारी कहां से आती। अर्थात वो बद्दुआ देता है, उसका प्रयोग करो, समय पर करो, समय पर पाओ। कई लोग कहते महाराज जी हमारे ये बीमारी कहां से आ गई, जरा पत्रिका में तो कोई बीमारी नहीं दिख रही, हमने तो सबसे पूछा ये बीमारी का योग ही नहीं है, फिर बीमारी कहां से आई, ना तो हम कोई व्यसन करते हैं, ना कोई मद्रापान करते हैं, ना कोई मांसाहार, फिर ये बीमारी कहां। उसका कारण है कि तुम उस प्रसाद का लाकर महीनों तक पड़ा हुआ इंतजार कर रहे हो, खाएंगे आखिरी में फिर वो काम वाली को दे दिया। काम वाली इतनी चतुर आज के जमाने की, बासी माल खाएंगे अटक गई, कौन का पड़ा वो बदबू। जितना आपको पाना है, जितना आपको लेना है, उतना प्रयोग करो। ज्यादा रखकर बहुत दिनों तक पड़ा है, थोर रखिए, मौन थाल रखा है, लड्डू रखा है, पेड़ा रखा है, कुछ सामान रखा, नहीं नहीं भाई, जितना बने उतना लाओ, नहीं तो किसी को तुरंत बांट दो, समापन करो। पर अपने यहां पर बहुत दिन तक रख कर उसका बाबा स्वयं, मेरा श्री जी बाबा, मेरे तिरुपति बाबा, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ, उस प्रसाद के रूप में तुम्हारे घर में कितने दिन इंतजार करे कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करूं, पर तू कराए नहीं, पड़ा है, रखा है, रखा रहने दो, मन नहीं करता। शक्तियों जैसा कर्म मत करो जिससे हमें कष्ट। कई लोग कहते हैं हमने पशुपति व्रत करा, हमारा बहुत काम हुआ। कई लोग कहते हैं हमने करा पर हमको अभी तक का। उसका कारण है कि तुम बहुत देर तक प्रसाद को इंतजार करा रहे हो, तो बाबा भी आपको इंतजार करा रहा है, मेरा विश्वनाथ भी इंतजार करा। उस समय अवधि का भान होना चाहिए। निगाह हटी दुर्घटना
घटती बस। ध्यान रखो, हम कहते हैं कि हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर दुख हमको ही क्यों आता है? उसका कारण केवल इतना सा कि दुख हम खुद बुलाते हैं, दूसरा नहीं। हम स्वतः पशुपति व्रत, पांच व्रत करो, पांच व्रत पूर्ण होने पर, कई माताएं कहती हैं कि बीच में हमारे व्रत छूट जाते हैं रजस्वला धर्म के समय पर, तो व्रत तो करना पड़ेगा पर पूजन नहीं होगी और वो गिनती में भी नहीं आएगा, पर व्रत करना है पर गिनती में नहीं आएगा। मार पूजन भले मत करो, सात दिन बाद आप जो व्रत करें वो अपने ऊपर है, पर गिनती में नहीं आएगा, व्रत करना पड़ेगा। गिनती में तब आएगा जब दरवाजे पर आप दिया लगाएंगे, जितने दिए आपने लगाए उसी गिनती में आएगा। और महाराज पांच व्रत जब पूर्ण हो जाए, पांचवा व्रत रहे तब एक नरियल श्रीफल, उस पर एक मोली नाड़ा लच्छा लपेट कर उस पे 11 रुपए रख कर, कोई आपको किसी को ना भोजन कराना है ना भंडारा करना है, केवल मोली लच्छा लपेट कर 11 रुपए रख कर बाबा विश्वनाथ के सम्मुख में शंकर जी की वो जलाधारी जो गोल है माता जगत जननी का हस्त कमल, उसी पर रख देना है, विनती कर देना बाबा मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया। जो पशुपति व्रत स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण में, पद्म पुराण के अंदर वर्णन किया, वो व्रत मैंने किया, बाबा मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरी कामना पूर्ण करना, बाबा को झोली पसार कर प्रणाम करो और अपने घर को चल जाओ। बस यही पांच व्रत का विधान। पशुपति व्रत ऐसा कोई काम नहीं जो ना हो, बस दिल से अगर व्रत किया है तो बाबा मनोकामना पूर्ण तो करे ही। मनो आप तो आप हमारे घर के, चाहे घर की धर्म पत्नी हो चाहे भांजे हो, कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कह देते पशुपति व्रत कर लो, हो जाए। बस पशुपति व्रत में आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, निर्मल चित्त निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, निर्मलता के भाव में भगवान मिल सकता। और फिर निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी चढ़ाओ ना चढ़ाओ पर बाबा से दिल से आप मिलो तो, एक बार दिल से उससे कहो तो, शिव शंकर का पशुपति व्रत केवल सांसारिक मनुष्य ही नहीं करता, ये पशुपति व्रत देवता भी करते, देवता भी।